जैसे ही हम यहाँ पहुंचते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शन आता है सीपीयू सिस्टम यूनिट का, जिसको हम केसिंग कह रहे होते हैं। आप सीपीयू कह लें, सिस्टम यूनिट कह लें, ये आपका जो है कहलाता है, जो इसकी केसिंग है उसको कह रहे होते हैं। आपके सामने डिफरेंट किस्म के मैंने सीपीयू रखे हुए हैं, जिसमें कुछ तस्वीर से मैच भी करते होंगे और कुछ पिक्चर से मैच भी नहीं करते। जैसे कि ये भी एक सीपीयू का शेप है, वहां पर आप देखेंगे दो तीन किस्म के सीपीयू रखे हुए हैं। तो इनको सीपीयू के जो शेप हैं, इनको हम इनकी केसिंग कहते हैं और हाउसिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो केसिंग या हाउसिंग है, इसके अंदर ये पूरी मशीन फिट होती है। मोस्टली ये लोहे का केस होता है, समहाउ कंपनीज इसको प्लास्टिक का भी बना रही होती हैं। इसके दो शेप हैं, ये कहलाता है फुल टावर, सॉरी मिनी टावर, ये कहलाता है डेस्कटॉप, ये कहलाता है SFF और ये कहलाता है USFF। ये मिनी टावर का क्या मतलब है? देखिए, टावर का मतलब है कोई चीज खड़ी हुई, ठीक है ना? तो मिनी टावर मतलब ये यहाँ पर इस तरह से फुल नहीं है, लेकिन ये हाफ टावर है, इस तरह से खड़ा हुआ है। और ये डेस्कटॉप का क्या मतलब है कि ये इस तरह से खड़ा किया जा सकता है, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये छोटा वाला पीस एक यहाँ पर खड़ा हुआ है, लेकिन बेसिकली ये इसे लिटा कर इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। ये फिर SFF है। SFF का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा छोटा होता है, कभी होगा तो मैं आपको लाके दिखाऊंगा, इतना छोटा होता है ये सीपीयू। और अब इससे भी छोटे आ गए इस तरह के, बिल्कुल इतने चकोर बॉक्स के अंदर सीपीयू आ रहे हैं। तो ये जो SFF है, ये इससे भी छोटा होता है, और इसको हम कहते हैं जो स्मॉल फॉर्म फैक्टर, स्मॉल फॉर्म फैक्टर पीसी कहलाते हैं। ये SFF सीरीज है, ये मिड टावर है, ये फुल टावर है, ये डेस्कटॉप है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो आपको जब भी कहना है कि भाई जैसे ये वाला कौन सा है, तो ये SFF कहलाएगा, ये मिड टावर कहलाएगा, ये फुल टावर कहलाएगा, ये डेस्कटॉप शेप कहलाएगा, ठीक है? ये केसिंग के एतबार से, ठीक, समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसी तरीके से आगे चलते हैं। तो ओल्ड कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम बात करें, ओल्ड का मतलब ये कि आज से 20 साल पीछे चले जाएं, 25 साल पीछे चले जाएं, 30 साल पीछे चले जाएं। अगर हम 25 साल पीछे जाते हैं, सन 2000 में, मतलब मैंने देखा कंप्यूटर इस तरह के आते थे। ये वाला जो आप शेप देख रहे हैं कंप्यूटर की स्क्रीन का, इसको हम कहते थे CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब, ओल्ड काइंड ऑफ मॉनिटर, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम अबाउट 110 वाट, वेट अप्रोक्स 25 kg। यानी कि इसकी पीछे से ऐसे खूब निकली हुई होती थी, ऐसे पीछे से बैक इसका निकला हुआ होता था, और ये आगे इसके जो ग्लास होता था, ये तकरीबन मैं समझता हूँ 8 mm का ग्लास होता था या 10 mm का ग्लास होता था, और इसके अंदर ये पूरा बॉडी में कवर्ड होता था शीशे के अंदर, और ये लाइट भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था। बहुत ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर आज की दौर की हम LCD या LED की बात करें, तो अगर ये 17 इंच का एक मॉनिटर था, 17 इंच का मॉनिटर था, तो ये 110 से 120 वाट साइमल्टेनियसली कंज्यूम करता था, ठीक है? और LCD 20 वाट पे चल जाती है, 25 वाट पे चल जाती है, समझ रहे हैं? तो 5 LCD 6 LCD के बराबर ये लाइट ले रहा होता था एक अकेला मॉनिटर। और अगर वेट की जाए बात, तो एक LCD का आजकल वेट है 2 से 3 किलो, और जबकि इसका अकेले का वेट 20 से 25 किलो होता था, ठीक है? तो ये बात भी है। इसकी स्क्रीन शीशे की होती थी, लेकिन लाइफ इसकी बहुत होती थी। और जबकि LCD की बात की जाए, तो उसकी स्क्रीन जो होती है पेपर की होती है। आगे देखें, पेपर लगा हुआ है इसके स्क्रीन के आगे, देखें क्या लिखा हुआ है, पेपर है। ये कोई शीशा नहीं है, ना कोई लोहा है, बल्कि ये क्या लगा हुआ है, पेपर लगा हुआ है। और इस पेपर पर अगर हम देखें, तो इसमें ये शीशा होता था, ठीक है? लेकिन लाइट कंजप्शन की अगर बात करें, तो ये लाइट भी ज्यादा लेता था, ठीक है? ये लाइट भी ज्यादा लेता था। इसकी कहते हैं कि इसकी जो पिक्चर ट्यूब होती थी, पिक्चर ट्यूब कहते थे जो शीशे की पूरी एक ट्यूब बनी होती थी, उस ट्यूब में 1000 वाट का करंट स्टोर होता था, और 1000 वाट करंट स्टोर करके जब ये ऑन होता था, तो उससे ये कलर्स और स्क्रीन को फॉर्म करता था। नहीं फटा नहीं आज तक, फटने का ये सीन था कि वैसे तो ये नहीं फटता था, हल्के हल्के पंच वंच भी मारते थे तो हाथ टूट जाएगा, ये नहीं फटेगा। इतना मोटा शीशा होता था, आपने देखे ग्लास जो लगे हुए होते हैं दुकानों के बाहर, उनका शीशा देखा कितना मोटा होता है, इतना मोटा इसका शीशा होता था। हाँ, ये कि अगर आप किसी का सर पकड़ के इसके अंदर मार दें तो उसका सर फट जाएगा, इसको कुछ नहीं होता था। इसको एक्सपेरिमेंट किया कि इसको अगर कोई फायर करें बुलेट, तो ये जाके धमाका अच्छा खासा कर सकता था, क्योंकि उसके अंदर गैस होती थी शीशे के अंदर, ठीक है ना? या ईंट बहुत जोर से कोई मारे तो ईंट इसको लगे तो ये फट जाए इसका ट्यूब अंदर से, तो ये अच्छा खासा धमाका कर सकता है। तो बहरहाल अब तो ये ऑब्सोलीट हो गए, अब ये नहीं आते।
और ये देखिए सीपीयू डेस्कटॉप वर्जन है इसका, ऐसे काफी बड़े सीपीयूज होते थे, साइज में मोटे मोटे से होते थे, छोटे भी आते थे, लेकिन ये इसका ओल्ड शेप था। अब ये कंप्यूटर इस तरह के नहीं आते। फिर जब पहला एलसीडी आया तो ये इस तरह का था, ये एलसीडी भी काफी भारी था, इतना भारी तो नहीं था लेकिन ये 5 से 8-10 किलो का एलसीडी था, ये कुछ इस तरह का होता था, इसके नीचे फ्रेम होता था और ये स्क्रीन इस तरह की होती थी। इतनी इतने अच्छे वर्ल्ड कलर नहीं होते थे जितनी आजकल की एलसीडी के कलर आ रहे हैं, एलईडीज आ रही हैं। तो बहरहाल ये एलसीडी का पहला वर्जन था जो ये रिलीज हुआ था। और उसके बाद फिर सीआरटी मॉनिटर, जिसको हम ये वाला मॉनिटर कहते हैं, इसको कहते हैं सीआरटी मॉनिटर और इसको कहते हैं एलसीडी मॉनिटर, ठीक है। तो सीआरटी का पूरा वर्ड क्या था, कैथोड रे ट्यूब, और ये पुराने किस्म के मॉनिटर थे, वेट ज्यादा होता था और लाइट को ज्यादा कंज्यूम करते थे, लेकिन लाइफ इनकी बहुत होती थी, 10-10, 15 साल, 20-20 साल, 25 साल चलते थे, जबकि एलसीडी की लाइफ नहीं होती। आप देख रहे हैं एलसीडी के आगे ये व्हाइट व्हाइट पेपर पे क्या आ रहा है, ये जैसे जैसे एलसीडी आपका पुराना होता जाएगा, इसका पेपर ये व्हाइट होता जाएगा, धुंधला होता जाएगा, और एक वक्त आएगा ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो एलसीडी की लाइट अफ्रोस 5 साल नई एलसीडी की लाइट कंज्यूम सपोज की जाती है, यूजेबल एलसीडी है तो वो 2-3 साल चल जाती है बस इतना, ये 15-15 साल चलते थे और सही रहते थे, ये बात भी सही है। ओके आगे चलते हैं, तो ये इनकी और शक्लें देख लें आप, ये इस तरह के बड़े आते थे शेप में, इस तरह के और आ जाते थे। फिर अगर हम बात करें एलसीडी मॉनिटर की, किसकी, एलसीडी मॉनिटर की, तो अच्छा एक सवाल है आपको, मॉनिटर को मॉनिटर क्यों कहते हैं, इसको मॉनिटर क्यों कह रहे, क्लास में मॉनिटर बनाते उस, हाँ नहीं, मॉनिटर के माने क्या होते हैं, नजर रखना आप पे, वो मॉनिटर क्या करता है, नजर रखता है, आपके नाम लिख देता है, ये कर देता है। तो बेसिकली ये इसकी आंख है पूरी, ये कॉन्सेप्ट देखें, ये आप पे क्या रख रहा है, आप इस पे रख रहे हैं नजर, या आप पे नजर रख रहा है, इसकी कह रहे होते हैं ये मॉनिटर इसको, ठीक है, या आप इसकी एक्टिविटी पे नजर रख रहे होते हैं, जो भी आप इस पे प्रोसेस कर रहे होते हैं। अच्छा तो ये एलसीडी मॉनिटर कुछ दिखने में इस तरह के होते हैं, ये तो आप आजकल देख ही रहे हैं अपने घर में, ये कंप्यूटर की एलसीडीज आती हैं या टीवी वाली एलसीडीज आ रही हैं। और फिर एलसीडी का जो एडवांस वर्जन है वो है एलईडी मॉनिटर, ठीक है ना, एलसीडी को ही थोड़ा एडवांस किया गया तो क्या बना दिया गया, एलईडी मॉनिटर। अब एलसीडी मॉनिटर में क्या था, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि जो इसका स्क्रीन फॉर्म हो रहा है इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में क्रिस्टल्स हैं जो मिलकर क्या बना रहे हैं, स्क्रीन बना रहे हैं। एलसीडी पे आपने पंच मारा, इसका क्रिस्टल अंदर से टूट जाएगा और स्क्रीन इसकी डिस्बर्ज हो जाएगी, बिखर जाएगी। तो ये एलसीडी का टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उसमें सीआरटी में शीशे की ट्यूब थी, इसके अंदर पेपर है, क्रिस्टल है उसके अंदर, और ये लो वोल्टेज मॉनिटर है, यानी कि यूपीएस इन्वर्टर और कम लाइट पर भी, बैटरी पर भी चल सकते हैं। इसका तकरीबन वेट 5 किलो के अंदर होता है और ये आराम से पोर्टेबल है, कहीं भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। इसकी एडवांस फॉर्म है जिसका नाम है एलईडी मॉनिटर। एलईडी बेसिकली एक डायोड का नाम है, डायोड एक इक्विपमेंट है इलेक्ट्रॉनिक, उसको हम एलईडी डायोड कहते हैं। यानी कि आपने कभी सेवर को खोला है अंदर से, उसके अंदर छोटे छोटे से बोर्ड लगे हुए होते हैं, उनको हम डायोड कहते हैं, और वही मुख्तलिफ छोटी छोटी लाइट्स मिलकर क्या बना रही होती है, बल्ब की रोशनी बना रही होती है। तो इसलिए इसके अंदर टेक्नोलॉजी उसी तरह की यूज की गई, तो इसलिए इसको एलईडी डायोड कहते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटेड डायोड, लाइट एमिटेड डायोड, और ये हाई डेफिनेशन मॉनिटर होते हैं। हाई डेफिनेशन का मतलब क्या है, इनका रिजल्ट एचडी क्वालिटी का होता है, 1K, 2K, 4K, 8K जो आ रहे हैं साइज, वो एलईडी मॉनिटर्स में आ रहे हैं। ये भी लो वोल्टेज होते हैं, ये एलसीडी से भी कम लाइट लेते हैं, बल्कि ये तो डायरेक्टली बैटरी के ऊपर 12 वाट पे भी चल जाते हैं, और ये भी पोर्टेबल हैं और लो वैट हैं, मतलब कम वजन रखते हैं। अगर हम बात करें डिफरेंट एलईडी मॉनिटर की, जी कुछ कह रहे हैं, अगर हम बात करें डिफरेंट एलईडी मॉनिटर की, तो हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म के एलईडी मॉनिटर्स आते हैं, दिखने में एलसीडी जैसे होते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी का फर्क होगा। एलसीडी और एलईडी की स्क्रीन में काफी फर्क होता है, एलईडी की स्क्रीन काफी रियल आपको फील होगी, जैसे सैमसंग के बड़े बड़े एलईडी आ रहे हैं, सोनी के आ रहे हैं, तो उनकी स्क्रीन जब आप देखेंगे तो आपको बाकायदा फर्क महसूस होगा। इसका एक फर्क यू भी महसूस कर सकते हैं, ये आपके पीछे एक रखा हुआ है मैंने एचपी का, ये एलईडी है, और ये जो आपके आगे रखा हुआ है ये एचपी का एलसीडी है। तो इसके आप उठा के देखेंगे इसकी वेट में, इसकी स्क्रीन में, और उसकी स्क्रीन में, और उसकी थिकनेस में काफी फर्क होगा, तो ये इसका एक बड़ा रीजन है। एलईडी मॉनिटर के बाद आते हैं कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड के ऊपर। अब कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरर ब्रांड की बात करें
तो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनीज दुनिया में कौन कौन सी हैं और वो कंप्यूटर बनाती हैं क्या करती हैं? हाँ कौन सी है? दो ही है। अभी देखो कितनी सारी लिखी हुई मैंने। देखिए एचपी कंपनी है जिसका पूरा नाम है हैवलेट पैकर्ड। तो ये कंपनी जो है कंप्यूटर्स एलसीडीज और कंप्यूटर के इक्विपमेंट बनाती है। डेल ये भी बनाती है। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये भी बनाती है। कॉम्पैक सैमसंग सोनी लेनोवो तोशिबा एसुस का नाम मैंने इसमें नहीं लिखा है। एप्पल एप्पल भी बनाती है कंपनी। तो इस तरह काफी सारी कंपनीज हैं जो कंप्यूटर को बनाती हैं। कुछ कंपनीज हार्डवेयर बनाती हैं, कुछ कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। मतलब जैसे अब ये मैन्युफैक्चरिंग और हार्डवेयर में फर्क है। जैसे इंटेल कंपनी प्रोसेसर बना रही है, इंटेल कंपनी मदरबोर्ड बना रही है। एचपी कंपनी ने क्या किया, इंटेल कंपनी से रब्ता किया और उनसे कहा कि हमें इस क्वालिटीज का एक मदरबोर्ड और प्रोसेसर बना दें। उनसे उन्होंने वो खरीद लिया, फिर उसकी केसिंग वगैरह को खुद डिजाइन किया, फिर हार्ड डिस्क जो बनाने वाली कंपनी है WD या Seagate उनसे हार्ड डिस्क खरीद ली और अपनी एक रिसर्च करके अपने डिजाइन और एक मॉडल का CPU बना दिया, लैपटॉप बना दिया और मार्केट में HP के नाम से उसको सेल कर दिया। जबकि इक्विपमेंट उसके अंदर इंटेल और AMD और WDM और माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर उसमें चल रहा है। तो ये सारी चीजें भी ऐसे पॉसिबल हो रहा होता है। मतलब समझाने का ये है कि हमारे इधर डेल और HP इसलिए ज्यादा बिकता है, डेल और HP अमेरिकन ब्रांड है और इसकी सेल होने की वजूहत ज्यादा ये होती है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा अच्छे तरीके से चल पाते हैं इनके कंप्यूटर्स। जबकि लेनोवो कंपनी भी दुनिया की सबसे पहली कंपनी है जिसने कंप्यूटर बनाया था। आपको पता है यूरोप में सबसे पहले जो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कराया था, डेस्कटॉप कंप्यूटर, वो लेनोवो कंपनी ने कराया था जिसका नाम है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। लेनोवो उनकी एक चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो खरीदते वक्त कंप्यूटर ये आप शक नहीं किया करें डेल का अच्छा होगा HP का अच्छा होगा, क्योंकि सबके अंदर मटेरियल तो एक ही कंपनी का लगा हुआ होता है। ये पता है आपको बात नहीं पता, सारी कंपनीज में प्रोसेसर या तो इंटेल का लगेगा या AMD का लगेगा, हार्ड डिस्क Seagate की लगेगी, WD की लगेगी, HP की लगेगी, ठीक है ना। सिर्फ फर्क कितना आता है, फर्क आता है आपकी उसकी कैसिंग के ऊपर जो ये आ रहा होता है, या उन्होंने उसके अंदर कोई एक्सटेंडेड USB पोर्ट बढ़ा दिए हैं, यहाँ पे लाइट लगा दी है, यहाँ पे कीबोर्ड में लाइट दे दी है, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दिया है। अच्छा LCD भी जो बनाएंगी कंपनियां, LCD बनाने वाली कंपनियां अलग है, वो सोनी बनाएगी सैमसंग बनाएगी। तो जब हम इसकी LCD को बाहर निकालेंगे तो उसके नीचे टैग लगा होगा ये सोनी की बनी हुई है, HP की बनी हुई है, फिलिप्स की बनी हुई है। तो ये सारी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये कंपनी क्या बना रही है। कंपनी नहीं, हर कोई कारखाना अलग अलग है। हार्ड डिस्क बनाने वाले कारखाने अलग हैं, प्रोसेसर बनाने वाले कारखाने अलग हैं, केसिंग बनाने वाले कारखाने अलग हैं, रैम बनाने वाले कारखाने अलग हैं, LCD बनाने वाले कारखाने अलग हैं, साउंड कार्ड, लैन कार्ड, वीडियो कार्ड, कीबोर्ड, माउस, ये सब बनाने वाले कारखाने अलग अलग हैं। तो अब ब्रांड क्या करते हैं, HP एक ब्रांड है, क्या है, डेल भी एक ब्रांड है, IBM क्या करते हैं, ये लोग ये क्या करते हैं, उन कारखाने वालों के पास जाते हैं, भाई हमें इस किस्म का मदरबोर्ड चाहिए, इस किस्म का रैम चाहिए, इस स्टाइल की केसिंग बनाओ, इस स्टाइल की हार्ड डिस्क चाहिए, इस कैपेसिटी की रैम चाहिए, इस कैपेसिटी का कार्ड चाहिए, इस कैपेसिटी के USB पोर्ट चाहिए। वो सबसे खरीदा और उसको खुद असेंबल करके अपना PC बनाया, अपना टैग लगाया, अपने नाम से मार्केट में बेच दिया शर्जील को, मंजीत को, मोहित को, और हम सब एक दूसरे को ये बोलते रहते हैं मुझे डेल वारो अच्छा, मुझे HP वारो सुठो, IBM वारो सुठो कोने, सब अमेरिकन ब्रांड है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये इसको ऐसे ही कर लें जैसे जे डॉट हमें पागल बनाता है, ये अब मैं ऑनलाइन चला जाएगा ये जैसे कोई कपड़े वाले बेचने वाली ब्रांड है, वो दाढ़ी पहन के आ जाते हैं, ऐसे लगाते हैं दाढ़ी, मामा लगाते हैं, फिर यूं कहते हैं माहे रमजान, फिर यूं करके, फिर वो 400 वाला कुर्ता 4000 का बेच देते हैं। समझ में आ रही है बात में क्या बात कर रहा हूँ? बात समझ में आई? वो कुर्ता 400 का ही होता है, वो 4000 का यूं बिकता है कि कपड़ा हमने वहां से खरीदा, वो सिलाई उससे कराई, करा के उसके ऊपर टैग लगा दिया, हाँ दुआ टेलर, राशिद टेलर, राशिद कादरी, राशिद फैजान, ठीक है ना, समझ रहे बात समझ रहे हैं? फिर वो इस तरह से जो है वो 400 रुपए वाला कुर्ता 4000 रुपए का बिक जाता है। इसे कहते हैं ब्रांड सेल करता। तो इस तरह से लेके ब्रांड आपको सेल करते हैं कंप्यूटर। तो अब आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर खरीदते वक्त कि आप इसमें नहीं पल जाया करेंगे HP अच्छा है, डेल अच्छा है, लेनोवो अच्छा है। अरे भाई अच्छे तो सारे ही हैं, सब में इक्विपमेंट तो वही लगे हुए। आगे चल के आपको बताएंगे उनके हार्डवेयर को कैसे चेक करते हैं, सब में इक्विपमेंट तो उन्हीं ब्रांड से लगे होते हैं, बस क्वालिटी इसका फर्क होता है। जैसे चाइना हमें ऑफर करता है कि भाई हल्का ब्रांड ले लो, अच्छा ब्रांड ले लो, तो अच्छा ब्रांड लोगे तो थोड़ा अच्छा चलेगा, हल्का लोगे तो कम चलेगा। चाइना का कसूर थोड़ी है, ब्रांड का कसूर है, जो हल्का बेच रहा है
हल्का वाला चलेगा, जो अच्छा बेच रहा अच्छा चलेगा। चले आगे चलते हैं, तो इसको तो आप जानते ही होंगे, इसको हम क्या कहते हैं, माउस। माउस भी कहते हैं, माइस भी कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही है, ठीक है। तो इसमें ये एक इनपुट डिवाइस है हमारा, इसके दो बटन होते हैं और इसके बीच वाले बटन को क्या कहते हैं, इसको बताएं क्या कहते हैं, कहते क्या है, हाँ रोलर नहीं कहते इसको, स्क्रोलर क्या कहते हैं इसको, और ये स्क्रीन को हमें ऊपर नीचे करने में हेल्प कर रहा होता है। बाकी राइट एंड लेफ्ट बटन इसके दो होते हैं। फिर आगे चलते हैं, तो ये देखें कोई एक अच्छे किस्म का माउस है, इसको इसमें गेमिंग माउस भी आते हैं। ये गेमिंग माउस क्या होते हैं, देखिए इनके साइड में बटन्स होते हैं, जैसे आप गेम खेल रहे हैं तो अक्सर आप कीबोर्ड से गोलियां उलियां मारते हैं, डायरेक्शन वगैरह चेंज करते हैं। गेमिंग माउस में 5-6 बटन एक्स्ट्रा दिए हुए होते हैं, गोली मारनी है, कैमरा घुमाना है, एंगल घुमाना है, उसी पे सारे काम कर रहे होते हैं। पर गेमिंग माउस थोड़ा सा कॉस्ट करता है, 2,500-3,000 रुपए का भी हो सकता है। तो ये बात है, आम माउस आपको ये 400-500 रुपए का मिलता है, बाकी वो वाला जितने का खरीदें फिर दराज से खरीदें, अमेजोन से खरीदें, आ जाएगा। ओके, तो माउस के जो कर्सर्स होते हैं वो डिफरेंट स्टाइल के होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपकी यहाँ पे इस तरह का कर्सर है, इस तरह का जो पॉइंटर आता है, सॉरी माफ करना कर्सर कह रहा हूँ, ये पॉइंटर है आपका नॉर्मल सेलेक्ट, मतलब आप किसी भी चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, जाके क्लिक कर सकते हैं। ये कर्सर जब आएगा इसका मतलब आपने कोई हेल्प सेलेक्ट की हुई है, मतलब मैं अगर यहाँ पे F1 का बटन दबाऊं तो यहाँ से मैंने इसकी कोई हेल्प सेलेक्ट कर ली है, और हेल्प का मतलब ये कि आपको कोई हेल्प चाहिए। वर्किंग एंड बैकग्राउंड, जब आपका कर्सर ऐसा आ जाए, मतलब आपने कोई सॉफ्टवेयर या गेम खोल लिया है, अब उसको लोड होने में टाइम लग रहा है, तो आप वेट कर लें, ये प्रोसेस कर रहा है, बता रहा है आपके साथ कि थोड़ी देर में खुल जाएगा। और जब आपके सामने बिजी वाला कर्सर आ जाए, पॉइंटर आ जाए, बिजी पॉइंटर आ जाए, ये वर्किंग इन बैकग्राउंड है, ये बिजी पॉइंटर है। बिजी पॉइंटर का मतलब क्या होता है कि अब आप कोई और दूसरा काम नहीं कर सकते जब तक कि ये पूरा टास्क भी कर लेगा। माइट बी हैंग हो रहा है, लैग हो रहा है, या कोई चीज प्रोसेस कर रहा है, अंटिल एंड अनलेस अब इस वक्त तक आप कोई दूसरा टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, आपने वेट करना है। ऐसा नहीं क्लिक करते हैं, दर 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 चल नहीं रहा, वो चल रहा ही नहीं, वैसे हैंग हो गया वहां, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं प्री सेशन सेलेक्ट है, ये किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं यूज करने में आ जाएगा। हाँ, इसको कहते हैं टेक्स्ट सेलेक्ट। टेक्स्ट सेलेक्ट मतलब जहाँ पे ये वाला आपको पॉइंटर नजर आएगा कर्सर, जिसको हम कह रहे होते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर आप टेक्स्ट को सेलेक्ट भी कर सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और देखिए देखिए ये टेक्स्ट पे आ रहा है ना, इसका मतलब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पर बना हुआ नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट सेलेक्ट है। उसके बाद नीचे आ जाए हैंड राइटिंग, एक डिवाइस आता है पेन डिवाइस, जहाँ पर आप अपने USB से कनेक्ट करके वो पेन बनावा जाएगा, तो आप वहाँ पे उसको पेन को यूज करके कुछ ना कुछ, या फिर आप ग्राफिक्स टैबलेट को यूज कर रहे हैं कर सकते हैं। अनअवेलेबल मतलब कहीं आप अपना एरो लेके जाएंगे और वहाँ पे इसे गोल दायरा होगा, उस पर एक लाइन लगी हुई होगी, इट मीन्स कि आपको कह रहा है कि आप यहाँ पर क्लिक नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, अनअवेलेबल है। फिर आते हैं वर्टिकल रिसाइज, ये क्या होता है, ये देखें वर्टिकल रिसाइज, ये देखें इसको ऐसे बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए विंडो को, ये वर्टिकल रिसाइज आपका काम करेगा। और इसके अलावा क्या है, हॉरिजॉन्टल रिसाइज है, विड्थ में ये देखें यहाँ पे रखेंगे इसके कोने पे, तो इस तरह से आप इसकी विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या है आपके पास, डायग्नोली अप एंड डाउन से, मतलब मैं इसको डायग्नोली इसे बीच में रख के ऐसे करके छोटा कर सकता हूँ, ऐसे बड़ा कर सकता हूँ, सेम प्रोसेस यहाँ वर्टिकल ऊपर से भी कर सकता हूँ, ये इसके प्रोसेस के हवाले से आ जाता है। तो यहाँ पर ये आपके सामने आ रहे होते हैं, डायग्नोली चारों साइड से हो सकता है। मूव कर्सर मतलब किसी भी विंडो को या ऑब्जेक्ट को मूव करना है, तो राइट बटन दबाया, जैसे मैं यहाँ पे इसका मूव वाला ऑब्जेक्ट लेता हूँ, तो ये देखिए बना हुआ आ गया, इट मीन्स कि अब मैं इसको कहीं भी इस तरह से मूव कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर है आपके पास अल्टरनेट सेलेक्ट है, लिंक सेलेक्ट। लिंक सेलेक्ट क्या मतलब, जब ये किसी पे बना हुआ आएगा, इट मीन्स कि आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको कहीं और मुंतकिल कर दिया जाएगा, जब आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको कहीं और भेज दिया जाएगा। अक्सर ऐसा हमारे साथ इंटरनेट पे हो रहा होता है, ये देखें डिफरेंट किस्म के लिंक आ रहे हैं, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, फिर यहाँ पर आइए इस वेबसाइट को खोलते हैं, और ये देखिए यहाँ पे एक लिंक भी आ रहा था अभी, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं किसी और पेज पर चला जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड लिंक साइन या हाइपर लिंक साइन भी कहते हैं, कि जो निशान अब बना हुआ आ रहा है, इट मीन्स कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कहीं और मुंतकिल कर दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके साथ इसमें हो रही होती हैं। ओके, आगे चलते हैं। फिर हमारे पास अगला ऑप्शन आता है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, और ये डेटा को CPU को डेटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। इसमें 101 बटन होते हैं स्टैंडर्ड साइज के मुताबिक, और इसके चार हिस्से होते हैं। ये पहले हिस्से को कहते हैं इसको अल्फाबेटिक कीपैड, इस हिस्से को कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड, इस हिस्से को कहते हैं फंक्शन कीपैड, और इस स्पेशल पर्पस कीपैड जिसमें ये इस तरह के बने हुए साइंस आ रहे हैं येलो कलर के, ये आपके स्पेशल पर्पस कीपैड पे काउंट हो रहे होते हैं। तो इस कीबोर्ड के चार हिस्से होते हैं, और स्टैंडर्ड साइज कीबोर्ड में 101 बटन होते हैं, ये आपने याद रखनी है। कुछ ट्रम्स भी आपने याद रखनी है। ट्रम्स का मतलब, जैसे कि हम गाड़ी वाले के पास जाते हैं, क्लच वायर लगा दे, गियर में आयल डाल दे, ये उसकी ट्रम है गाड़ी की। इसे कंप्यूटर की जो टर्म है हार्डवेयर, यानी कि फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर चलने वाले प्रोग्राम जो स्क्रीन के अंदर होते हैं,
ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये मेन सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर में चल रहा है, विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 11, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है फोल्डर, जिसका काम है फाइल्स को स्टोर करना और अलग अलग कैटेगराइज कर लेना। फाइल्स जो होल्ड करती हैं हमारा कोर डेटा, इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स इसकी शक्ल में, और आइटम्स हम सबको कह सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं सपोज टू बी ये सारे आइटम्स हैं, ठीक है, ये दो फोल्डर हैं, ये जो हैं ये फाइल्स हैं, ये ऐप हैं, और ये हमारे सारे आइटम्स हैं। मेन्यू आइटम्स मतलब मेन्यू में जितने भी आ रहे हैं, विंडोज आइटम्स ये जितने भी आ रहे हैं, आइटम्स मतलब एक जर्नल नाम कह देंगे उसका, और जब अलग अलग करेंगे तो फोल्डर, फाइल, एप्स के नाम से हम उनको पहचानेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा जो है टॉपिक खत्म हो जाता है और चले आगे चलते हैं। और टर्म्स है हमारे पास, पार्ट्स माना हिस्से, कंपोनेंट्स माने भी हिस्से, पार्ट्स भी कहते हैं हम उसको और कंपोनेंट्स भी कहते हैं। शट डाउन माना कंप्यूटर को जब हम ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसको पावर ऑफ करते हैं या शट डाउन कर देते हैं। और फिर उसके बाद अगली टर्म है रीस्टार्ट, तो जब हम अपने कंप्यूटर को यहाँ से रीस्टार्ट करेंगे तो ये खुद ही बंद होगा और खुद से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगली टर्म है हमारे पास हाइबरनेट, ये एक टर्म है जिसमें आपका कंप्यूटर शट डाउन होगा लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप इसको खोलेंगे तो वो वहीं से शुरू होगा जहां से आपने इसको बंद किया था। जैसे हम ये क्या करता है, लास्ट स्टेट अपने अंदर सेव करके कंप्यूटर को ऑफ कर देता है, और जब हम उसको दोबारा से ऑन करते हैं तो ये वहीं से स्टार्ट होता है जहां से हमने इसको छोड़ा था। फिर है ट्रबल शूट, ट्रबल शूट का मतलब ये होता है कि आपके कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में कोई भी आने वाले प्रॉब्लम को अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे सॉल्व करने के अमल को हम क्या कहते हैं, ट्रबल शूट कहते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जब कोई फॉल्ट आ जाए तो चलने के दौरान उस फॉल्ट का कोई अल्टरनेटिव निकाले और अपने फंक्शन को कंटिन्यू रखे। जैसे मिसाल के तौर पे इस एलसीडी के कलर कोई फॉल्ट आ रहा है लेकिन ये एलसीडी उस फॉल्ट के अलावा भी काम कर रही है, तो इसके अंदर ये सलाहियत है कि फॉल्ट को बर्दाश्त कर रही है, फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम इसमें मौजूद है। वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब ये है कि मेरे कंप्यूटर को वायरस लग गया तो मेरा कंप्यूटर हो गया वल्नरेबल। एक फौजी लड़ने गया जंग के ऊपर, लड़ता रहा उसको एक फायर लग गया तो अब वो हो गया वल्नरेबल। या किसी बंदे को वायरस अटैक हो गया तो वो बंदा हो गया वल्नरेबल, मतलब उसको वो चीज अटैक कर चुकी है, ठीक है। वायरस एक टर्म है, सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को खराब करने के लिए, करप्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो ये एक डिवाइस आती है जिसका नाम है कंप्यूटर पेन ड्राइव। कंप्यूटर पेन ड्राइव क्या होते हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर के अंदर बकायदा आप नक्शे बना सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, अपने सिग्नेचर्स कर सकते हैं, और ये आपके यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट हो जाती है। इसके साथ इस तरह का एक पैड मिलता है, जैसे जैसे आप इधर टाइप करते जाएंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से आपको सामने वो चीज वैसे के वैसे ही नजर आती रहेगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम कंप्यूटर पेन ड्राइव, और ये एक इनपुट डिवाइस है जिसको हम डिजिटल पेन ड्राइव भी कहते हैं। कैप्चर द हैंडराइटिंग और ब्रश स्ट्रोक्स फॉर ऑफ अ यूजर, कन्वर्ट हैंडराइटिंग एनालॉग इंफॉर्मेशन, क्रिएट यूजिंग पेन ड्राइव और पेपर इनटू डिजिटल फॉर्म, ठीक है, समझ में आ गई। चलो यहाँ पे ऑफ कर देते हैं इसको।